तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ्यूज बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फ्यूज बॉक्स में जो हमारा फ्यूज रहता है, मीटर का फ्यूज हो गया या लाइट का फ्यूज हो गया, रेडियो का फ्यूज हो गया या फैन का फ्यूज हो गया, जो भी अगर फ्यूज में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरीके से ठीक करेंगे और क्या क्या वर्क करती है, फ्यूज की जो जानकारी रहेगी, जो पूरी जानकारी रहेगी, वो चीज मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि जितना फ्यूज दिया गया है वो फ्यूज में क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या काम करता है, वो चीज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फ्यूज बॉक्स की पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो जैसे भी मीटर का फ्यूज यहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या इसमें फंक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खोल लेना है, देखिए दो नीचे होगा, दो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें सिस्टम दिया गया है, जो कि हमारा नीचे 2 वोल्ट नहीं लगाया हूँ, खोल दिया था पहले से, और 2 वोल्ट मैं यहाँ के ऊपर का यहाँ पे खोल दिया हूँ। और खोलने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं निकाल लिया हूँ और निकालने के बाद देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज बॉक्स है। तो देखिए दोस्तों, यह है फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे ये चीज लगी रहती है निकालने के लिए, जो कि ये साइड में जितना फ्यूज रहता है, ये हमारा एक्स्ट्रा फ्यूज दिया रहता है कि आप इस फ्यूज का जब भी आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है इस फ्यूज में, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिया गया है इस फ्यूज को निकालने के लिए कि किस तरीके से आप किसी भी फ्यूज को इस तरीके से फंसाएंगे और इस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं इसी तरीके से आपको किसी भी फ्यूज को इसी तरीके से निकालना है इसका यूज करके, जो कि मैं आपको फ्यूज के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे पहला नंबर जो फ्यूज है, ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये ECGR होता है, जो कि हमारा जो साइलेंसर से गैस निकलता है उसके लिए यहाँ पे फ्यूज दिया गया है। यहाँ पे दूसरा नंबर जो फ्यूज दिया गया है, ये रिले का होता है, यहाँ पे रिले कॉइल का यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर जो 20 नंबर का यहाँ पे फ्यूज दिया गया है, 20 नंबर का जो फ्यूज है, 20 नंबर का यहाँ पे फ्यूज दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पे। ये जो फ्यूज होता है, जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो पीछे का लाइट जो जलता है ब्रेक में, उस लिए दिया गया है। जब ये उड़ जाता है तो आपका वहाँ पे जलना बंद हो जाएगा, अगर कभी कभी होता है कि हमारा लाइट भी वहाँ पे खराब हो जाता है। और जो है यहाँ पे ये दिया गया है, पार्किंग का दिया गया है, ये हमारा यहाँ से देख सकते हैं 2 यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, 2 चीज़ हो गई। और यहाँ पे जो है लाइट का दिया गया है, फ्रंट लाइट का जो ऊपर का लाइट होता है उसका दिया गया है, ये बैक लाइट पीछे का लाइट दिया गया है, दोनों सेंटर यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पे लाइट है। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है KPC का, जब भी आप KPC वर्क करते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं, तो यहाँ पे जब ये खराब हो जाता है ना फ्यूज, तो आपका जो KPC काम करना बंद कर देगा। तो इस फ्यूज को आपको चेक करना है, जब भी आपका जो KPC इधर उधर नहीं होता है, तो ये जो लाइट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये जो फ्यूज है, इसके बाद दूसरा नंबर पे ये फ्यूज है, जो कि हमारा रेडियो वेडियो रहता है, म्यूजिक व्यूजिक अगर खराब हो जाता है, तो जो ये फ्यूज चेक करना है कि म्यूजिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर नहीं चल रहा है, तो इस फ्यूज को आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने फ्यूज के बारे में बताया हूँ। और ये जो फ्यूज है यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो हमारा अभी बताया हूँ कि आपको जो पार्किंग लाइट का हो गया फ्रंट रहा है, यहाँ पे लेफ्ट राइट, और यहाँ पे फ्रंट है, और यहाँ पे बैक का दिया गया लाइट। और यहाँ पे इसकी मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो हमारा है, जो फ्यूज है हमारा, यहाँ पे इसका जो दिया गया है ये हेजर्ड का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे फ्यूज दिया गया है इसका, यहाँ पे ये वाला, जब भी हमारा लाइट यहाँ पे जलता है तो इसका यहाँ पे फ्यूज दिया गया है, इसका जो है फ्यूज, ये आपको देख लेना है। और जो यहाँ पे यहाँ जो दूसरा नंबर पे यहाँ पे दिखा दे रहा है, क्लस्टर का है, जब भी आपका मीटर में जो लाइट आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मीटर में लाइट नहीं आ रहा है, तो क्लस्टर का आपको चेक करना है, मीटर में लाइट नहीं आ रहा है तो ये मीटर का दिया गया है। और जो है ये हमारा इंडिकेटर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर का दिया गया है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये हमारा जो है पंखे का दिया गया है, ये हमारा अगर पंखा खराब हो जाता है या नहीं चल रहा उसमें, तो इस फ्यूज को चेक करना, अगर फ्यूज में प्रॉब्लम है तो फ्यूज का वो चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी बैक लाइट की, जो यहाँ पे लेफ्ट वाली राइट लाइट रहती है, उसकी लाइट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पंखे का हो गया, और यहाँ पे ये बैक लाइट का यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे लेफ्ट वाली रहती है, जो कि हमारा जब भी हम गाड़ी हमारा स्टार्ट रहता है, बैक लाइट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे राइट हो गया और यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लाइट दिया गया है, यहाँ पे सेम, यहाँ से जो हमारा डिपर का हो गया, डिपर लाइट का यहाँ पे मेन लाइट हो गया, यहाँ पे 2 बड़े बड़े लाइटों का ये 2 दिया गया है। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर भी हमारा जो लाइट दिया गया, जब भी हम पासिंग करते हैं गाड़ी नहीं, जब गाड़ी हम पासिंग करते हैं, यहाँ से इस तरीके से हम उठाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे उसके लिए ये दिया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला इसीलिए दिया गया है ये लाइट।
और जो ये लाइट है हमारा हॉर्न के लिए दिया गया है। ये जो 10 नंबर का लाइट जो दिया गया है 10 नंबर, यहाँ पे हमारा जो है कि फोर व्हील ड्राइव का यहाँ पे दिया गया है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये हमारा इंजन के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये तो मैं पहले बताया हूँ कि यहाँ पे आपके लाइट के लिए दिया गया है, जो बड़ा बड़ा आपका लाइट होता है उसके लिए दिया गया है। डिपर का हो गया, मेन लाइट के दिया गया जो बड़ा बड़ा लाइट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया गया है वाइपर का दिया गया है, देख सकते हैं वाइपर का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों को आप देखिए यहाँ पे जो 15 नंबर का यहाँ पे फ्यूज दिया गया है, तो ये जो तो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा मीटर का यहाँ पे जो लाइट होता है, जब मीटर हमारा इस तरीके से जलने लगता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जलने लगेगा, तो इसका यहाँ पे फ्यूज दिया गया है। अगर ये खराब हो जाता है तो आपका मीटर में जो लाइट जल रहा है कोई भी वर्क नहीं करेगा। और जो मीटर में जो अंदर जो रिले लगी रहती है वो रिले का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला फ्यूज जो हमारे मीटर में रिले लगी रहती है उसका यहाँ पे फ्यूज दिया गया है। तो दोस्तों आप जब भी मशीन में या कोई प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे कि आपका लाइट नहीं जल रहा है, तो आपको फ्यूज बॉक्स आपको चेक करना है, फ्यूज में जो जो मैं बताया हूँ आपको चेक करना है। यहाँ पे जिस तरीके बताया यहाँ पे फैन का हो गया और यहाँ पे रेडियो का हो गया, यहाँ पे केपीसी का हो गया, जितना भी यहाँ पे लाइट का हो गया, जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले फ्यूज चेक करना है। अगर फ्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो आपको फ्यूज को चेंज कर देना है। फ्यूज को आप चेंज करेंगे तो आपका मशीन जो है वर्क करने लगेगा। जो भी आपका प्रॉब्लम आता है, म्यूजिक का हो या रेडियो का हो या लाइट का हो या केपीसी का हो या इंडिकेटर का, कोई भी चीज हो आप यहाँ से चेक करिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।